सुपरस्टार राजेश खन्ना ने एक बार अपने दामाद के बारे में खुलकर बात की थी, जहां उन्होंने अपने दामाद अक्षय कुमार को हेरा फेरी वाला आदमी तक बता दिया था। हालांकि ये अक्षय को लेकर उनका मस्ती और मजाक भरा अंदाज था, लेकिन मजाक मस्ती में उन्होंने अपनी बिटिया रानी को अक्षय पर लगाम लगा कर रखने की सलाह तक दे डाली थी। राजेश खन्ना जो अक्षय को अपने बेटे जैसे मानते थे, लेकिन वो ये भी जानते थे कि अक्षय कुमार किस किस्म के खिलाड़ी कुमार हैं। हालांकि ये बात तो जमाना जानता है कि ट्विंकल के पास आने से पहले उन्होंने कई सारी हीरोइन से इश्क लड़ाया है। शिल्पा रवीना तक इस लिस्ट में शामिल है। उन्होंने इन हीरोइंस को तो रिंग तक भी पहना डाली थी और शादी का वादा तक किया था। ऐसे में राजेश खन्ना अक्षय को अच्छे से जानते थे, इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी ट्विंकल को अक्षय पर लगाम कसने की बात कह दी थी। दरअसल राजेश खन्ना ने एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें राजेश खन्ना से गाना गाने की मांग की गई थी, जिसके जवाब में उन्होंने कहा था, इस उम्र में मैं क्या गाऊंगा, हमारा जो जमाई है वो गाता है, कभी भूल भुलैया करता है, कभी हेरा फेरी करता है। राजेश खन्ना अक्षय कुमार के बारे में आगे मजाकिया अंदाज में कहते हैं, बहुत हेरा फेरी करता है, हेरा फेरी वाला ही आदमी है वो। राजेश खन्ना मजाक करते हुए आगे कहते हैं, मैंने अपनी बेटी को भी बोला, मैंने कहा देखो टीना बाबा, ट्विंकल उसका नाम है लेकिन मैं टीना ही बोलता हूँ, मैंने कहा देखो लगाम खींच के रखना, इसकी लगाम खींच के रखना, लेकिन इतना भी नहीं खींचना कि टूट जाए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना की शादी 17 जनवरी 2001 को हुई थी। दोनों की शादी को 2 दशक बीत चुके हैं। उनके 2 बच्चे बेटा आरव और बेटी नितारा हैं। और इसके बाद से तो अक्षय एकदम फैमिली मैन बन चुके हैं। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यू, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।